तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक निकंदन में। दोस्तों यूट्यूब की तरफ से दो न्यू अपडेट और आ चुकी है, वो जो है बहुत ही शानदार अपडेट है। दूसरी वाली जो अपडेट है वो बहुत ही जो है अमेजिंग है आपके लिए और मेरे लिए, खासकर उनके लिए जिनका जो है अभी न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किया है। तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, अगर आप प्रॉपर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो है अपडेट क्या क्या है और आपको जो है इन दोनों अपडेट से क्या फ़ायदा है। और अगर आपने हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकंदन से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो अपडेट है वो आती है एट द रेट को लेकर। जी दोस्तों, अगर आप एट द रेट नहीं समझते हैं तो दोस्तों एट द रेट हैं क्या, मान लीजिए दोस्तों एट द रेट, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको ये किन को मिलती है। दोस्तों अगर आपके जो है YouTube चैनल पर अगर 500 सब्सक्राइबर अगर आपने गेन कर लिए हैं तो आपको जो है एट द रेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब वो कैसे, मान लीजिए दोस्तों आपने किसी भी जो है क्रिएटर के साथ, जो आपसे बड़ा क्रिएटर है, 1000 उसके सब्सक्राइबर है या फिर जो है उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और उस क्रिएटर के साथ आपने जो है कोलाब्रेशन किया है और आपने जो है टाइटल में लिखा है कोलाब्रेशन जो है एट द रेट लगा के, अगर आप उसका नाम मेंशन कर देते हैं तो दोस्तों वो जो है एट द रेट जो है आ जाता है। जी दोस्तों, आपने जो है एट द रेट लगा के उसका नाम लिख दिया तो जो है एट द रेट में आ जाएगा। जैसे ही अगर कोई व्यूवर अगर आपका वीडियो वॉच करता है और उस जो है वीडियो अगर उस नाम के ऊपर क्लिक करता है एट द रेट के ऊपर, तो जो व्यूवर जो है डायरेक्ट उसके चैनल पर चला जाएगा, जिससे आप जो है अपनी वीडियो में जो है ज़्यादा व्यूज़ भी ला सकते हैं और दूसरी बात आप अपनी बात जो है उस क्रिएटर तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आपने जो है किसी भी बड़े यूट्यूबर के लिए कुछ भी जो है बताया, फिर आपने जो है उसको थैंक यू बोला, संबोधित किया, या फिर कुछ भी जो है उस वीडियो में आपने जो है बताया, मान लीजिए जैसे टेक्निकल जोकी के बारे में, मनोज दे बारे में, किसी भी जो है क्रिएटर के बारे में आपने जो है वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद में आप चाहते हैं कि आप जो है आपकी वीडियो उन तक पहुँचे, तो आप जो है एट द रेट लगा के उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका वीडियो है उनके सामने जो है जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एट द रेट ये हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। दूसरा जो अपडेट है वो है कार्ड को लेकर। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, ये कार्ड है दोस्तों, ये जो है पहले से ही YouTube पे था। पहले जो है डेस्कटॉप साइज में आपको जो है देखने को मिलता था, बट लेकिन अब से जो है आपको ये आपकी जो YT स्टूडियो वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो है आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा दोस्तों, इसका आपको ये फ़ायदा है कि मान लीजिए आप वीडियोस अपलोड करते हैं, अब अपलोड करते समय आपको पता नहीं होता कि आपके जो व्यूअर हैं, जो आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा समय किस समय जो है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, तो इस ग्राफ से आप जो है ये पता कर सकते हैं कि आपके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा किस समय जो है ऑनलाइन रहते हैं। अब दोस्तों YouTube ने एक चीज़ और भी बोली है कि इससे आपका जो है ये नहीं है कि आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, बट लेकिन ये है कि आप जब भी वीडियोस अपलोड करें तो उस समय करें कि जिस समय आपके जो है सब्सक्राइबर ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, तो आपको जो है इंस्टेंट व्यूज़ मिल जाएंगे, उस टाइम मिल जाएगा और उससे हो सकता है आपका वीडियो वायरल हो जाए। बट लेकिन ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए कि आपका वीडियो जो है वायरल हो गया होगा, बट लेकिन ये है कि आपको इंस्टेंट व्यूज़ मिल जाएंगे। ये मान लीजिए आप जो है लाइव कर रहे हैं तो आप लाइव उस समय करें जिससे आपके जिस समय आपकी जो है सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा ऑनलाइन है, ताकि आपकी जो सब्सक्राइबर वो आपकी बात सुने और आपके लाइव में आके जुड़े। तो ये दो न्यू अपडेट थी यूट्यूब की, तो ये बहुत ही शानदार अपडेट थी। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकंदन को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग वीडियो।